मेयर मोहतरम शेख रशीद साहब, एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब, बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है माओ और बहनों, अभी हम लोग सिद्दीकी साहब ने कहा है कि एजाज बेग के सामने मुझे 4600 वोटें मिली थी। ये बात अब उधर सिद्दीकी साहब की मैं और खोल दूं, क्या वो अगर सिद्दीकी को मुफ्ती इस्माइल कासमी के सामने 4600 वोटें मिली? असेंबली इलेक्शन का आगाज हो चुका है। मैंने सबसे पहले जलसे में सवाल किया था मुफ्ती साहब से कि आपको कोई वोट क्यों दे। उसके बाद कई जलसे हो गए, आज तक उसका बात उस बात का जवाब दीन और शरीयत की रोशनी में शहर को नहीं मिला। ये शहर एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल को वोट क्यों दी? उन्होंने आज तक अपना कोई कारनामा नहीं बताया, और अभी साबिर भाई ने बताया कि उन्होंने कबूल कर लिया सलाम चाचा रोड पर कि मैंने कोई काम नहीं किया जिसके लिए मैं माफी का ख्वाह लगा हूं। मुझे ऐसा शक है कि वो कहीं आगे चल के धीरे धीरे नबी अहमद वाला स्टाइल में अख्तियार कर दे, भों रोने वाला। तो शहर को अपनी आंखें खुली रखना है। अदाकारी सीख के आए केरला से, मैं आपको बता दूं उसकी तफसील में नहीं जाते हुए, शौमेर ने पूछ देना मिलके कि केरला ये नहीं क्या केरला से अदाकारी सीख के आए कि रोने का कैसे, हंसने का कैसे, फोटो खिंचाने का कैसे, ये सब अदाकारी सीख कर आए हैं। और अनकरीब वो स्टेज पर माफी मांगकर भो भो रोएंगे और शहर को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, इसलिए पूरे शहर को तैयार रहना चाहिए। बताओ पहले से नबी अहमद तो था, एक और आइटम है उनके साथ धूम रोने वाला। कौन है वो? कोई भी मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, कांग्रेस के मुद्दे पर बात हो रही है। कांग्रेस खराब, कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी। अरे भैया तुम तो कांग्रेस के फिक्स हो रहे हो हर 5 साल बाद। कांग्रेस के फिक्स मुखलिस वर्कर गट्टी में पैसा मांग के दो और पूरी 58,000 वोट बिक जाती, पूरे शहर के लोगों को पता ही नहीं रहता उनको वोट देने वाले कि हम जब सोए थे तो मुफ्ती साहब अपने को बेच के लुंगी में पैसा मांग के घर ला के रखते। साबिर भाई ने बोला ना अभी कि वो कहते हैं मैं 58,000 वोटों का मालिक हूँ, 58,000 वोटों का मालिक हूँ, और वो सही बोलते हैं साबिर भाई, इसलिए कि बार बार इन 58,000 लोगों का सौदा ये गैरव चौखट पर जाकर करते हैं, पैसा लाते हैं और अपना घर भरते हैं। वो बराबर अपने आप को 58,000 वोटों का मालिक समझते हैं और उसे बेचते हैं। पता नहीं होता मेरे भाइयों को, सही बात, सही बात। यहां से उन्होंने कहा था कि अंसारी मेरा वोट बैंक है, मैं हनीस अहमद इकबाल अहमद मोहम्मद इकबाल अहमद मोहम्मद बशीर मोहम्मद बशीर फकीर मोहम्मद फकीर मोहम्मद अब्दुल वाहिद दाल भाट अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब खड़े हैं। मैंने मऊ अहमद तक मेरा शरीर है नसब गिना दिया है, मेरे पुरखों में किसी का नाम दाल भाट नहीं था। क्यों था? पक्का जुड़ा हूं मैं, ओरिजिनल टनाटन अंसारी हूं मैं, और मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि मुफ्ती साहब मैं आपका ओल्ड बैंक का हिस्सा नहीं हूं। इसलिए मैं आपके साथ आपके वोट बैंक का हिस्सा नहीं हूं।
नोट कर ले मेरी बात, बहुत बहादुर है ये, इनकी तारीफ होती है दरअसल कुरान में, जैसे हजरत अली बहादुर थे नौज बिल्ला वैसे ही हजरत भी बहादुर है। मछली बाजार में पुलिस ने डंडा पलटा, डांडा पलटी घोड़ा भरा हुआ, नहीं हुआ? हुआ ना। हजरत आगे आगे, मंडप पीछे पीछे, चार आदमी चार खंभा लेके दौड़ रहे, कल डर गए थे ऐसा कायद होनी चाहिए, मोबाइल का डर गए, ऐसे कायद की कोई जरूरत भी नहीं शहर को, कल डर गए थे। कल क्या हुआ आपने देखा रेडियो? एक कहावत है पत्ता खड़का बंदर खड़का, वो कहावत क्या होता है, उसको समझने के लिए आपको एक रेडियो देखना पड़ेगा। करता आसिफ भाई ने मुझे कल बताया, हमको किसी ने शरारत में भेजा, हम लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, मगर ठीक है। तो मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, कांग्रेस पर बात हो रही है, बदनवानी पर बात हो रही है। मुफ्ती साहब, बदनवानी की बात कर रहे हो, यतीमों का पैसा, गरीबों का पैसा, मजदूर का पैसा, बेवाओं का पैसा रात दिन एक करके अपने खून पसीने की कमाई से जमा किया हुआ पैसा करवा दिया, हीरा गोल्ड में पूरा शहर लगा रहा था आपकी नाक के नीचे, आप नौहीरा सेठ से तोड़ी कर रहे थे, आप दम दे रहे थे उसको, ऑफिस बंद करा दूंगा नहीं तो इतना पैसा दे उतना पैसा दे, आप उस बदनवानी की बात कर रहे हो जो आपने कभी साबित नहीं की। आप अगर आप बदनवानी को साबित कर पाते तो आप तोड़ी बाज आपके साथ घूम रहा है वो हाईकोर्ट जाकर जाकर तोड़ी करने वाला, कब के आसिफ भाई और शेख रशीद साहब को जेल की सलाखों के पीछे बैठा देते आप लोग। बदनवानी की बात कर रहे हो, जब शहर का 1500 करोड़ रुपया हीरा गोल्ड में लग रहा था, बर्बाद हो रहा था, आप अपनी आंखें बंद रखे हुए थे। फसाया किसने? लगाया इन्होंने और इनके बाप ने डुबवाया, लगाने में मुफ्ती साहब आगे आगे। वो हीरा गोल्ड वाले बोलते थे अपनी तस्वीर करने के लिए पूरी फैमिली का पैसा लगाया, बोले जब कोई आता था ना बोलता था यार ये जायज है कि नाजायज है, मुफ्ती आसिफ ने ऐसा ऐसा पर फतवा दिया है, तो वो हीरा गोल्ड वाले नाराज, वो बोलते थे कि मुफ्ती साहब इस्माइल की पूरी फैमिली का पैसा लगा हुआ है और इस बात को कि मैंने तस्दीक की, ये तस्दीक शुदा बात है, छोटे छोटे बच्चे का पैसा हीरा गोल्ड में लगा हुआ। मुश्तबा जब और कौन डुबाया वो पैसा, 500 करोड़ रुपया कौन नवीरा शेख से मांग रहा था, किसने अपने अपने पगारू वर्करों को नवीरा शेख के पीछे लगा दिया, किसने शहबाज खान को लगा दिया, किसने नवीरा शेख के ऊपर 1000 से ज्यादा केस करवाए? असदुद्दीन अवैसी साहब, MIM के तमाम वो पार्टी के वो लीडर जो नवीरा शेख से तोड़ी करना चाहते थे उसके पीछे पड़ गए, हैदराबाद से कोई नई क्यादत तक खड़ी हो जाए। असदुद्दीन अवैसी साहब यहां आके कहते हैं कि कोई बच्चा मेरे बारे में बात ना करे, बच्चे मेरी बातों का जवाब ना दे। AIAM के मैं सदर मुख्य अतिथि जो यहां पर कल तशरीफ लाए थे मेहमान साहब, उनसे कहना चाहता हूं कि इस शहर के बच्चे की बात का जवाब दीजिए आप कि हमारे शहर का 1500 करोड़ रुपया हीरा गोल्ड में डूबा है, जिसके जिम्मेदार अवैसी साहब आप खुद हो, उस पैसे का जिम्मेदार आपको हम मानते हैं, आपने हीरा गोल्ड में सब तैनात किया। आइंदा जलसे में अवैसी साहब को जवाब देना है कि हमारा हीरा गोल्ड का पैसा हमारे शहर का अगर डूबा है तो अवैसी साहब 1500 करोड़ रुपया आप कब देंगे? हम आएंगे ही नहीं, वो हमारे सामने लोग अब आएंगे नहीं। बोला जी उम्मीदवार सिर्फ में मोबाइल निकाल रहा था अजीब उम्मीदवार मिल गया, डर गए थे असल में, तो लगवाने में ये अगला जिम्मेदार है मालेगांव के अवैसी, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं मालेगांव का, अवैसी के दुहाई देके अवैसी की क्लिप बताकर अवैसी का वीडियो बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं असेंबली में जाऊंगा और एक पैसा मुहर्रम में आना मुद्दे जो रखा जा रहा है अवैसी का फोटो लगा के मैं तकरीर करूंगा सब।
वाली मखोटा। दोस्तों इख्तदार मिलने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि लोग बदलते नहीं बेनकाब हो जाते। बेनकाब हुए आसिफ साहब के सामने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जब इन्होंने इतना जबरदस्त काम करके दिखाया। ड्राइविंग लाइसेंस का पैसा था 23,000 लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस 30 रुपया जमा किया था, 6,90,000 रुपया। मुफ्ती साहब इस शहर का आप दिखा रहे कब वापस दोगे जवाब तो? अरे नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, एनआरसी की बात कर रहे हैं। केरला में बचा है लतीफा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, एनआरसी से बचाने की बात कर रहे हैं। कौन इनकी बात पर भरोसा करेगा? मुद्दा क्या है कि 5 साल आसिफ साहब एमएलए रहे हैं, मुद्दा ये है कि मुफ्ती साहब आप 5 साल एमएलए रहे हो, आपका काम बताओ 5 साल का और आसिफ साहब के काम के ऊपर उसके पात्र लिखता। क्या समझ रखा है आपने शहर को? बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने? ये समझ रखा है कि मैं लोगों को झांसा देने में कामयाब हो जाऊंगा? अभी कहा है हमारे, अभी सफीक भाई कह रहे थे गुलजार हाशमी साहब ने कि हमने 5 साल तक मुफ्ती साहब को बार बार मदद किया जमीयत उलमा के ऑफिस पर मुसलमानों के बिल्डिंग मसाइल के लिए आवाज उठाने के लिए, एक मतलबा की उन्होंने आने की सहमत करवा। क्या है ये? आप जो है जमीयत उलमा के सदर माने जाओगे, महाराष्ट्र के सदर, महाराष्ट्र की जमीयत के लोग आपको बुलाते हैं, आप नहीं जाते? हम तो बहुत आम लोग हैं, हमारी आपके पास क्या है? लोग सही बात है कि नहीं? जो आदमी जब महाराष्ट्र का सदर बनाया जाए हमारी क्या औकात है उनके सामने? जब वो चुनकर चले जाएंगे उनकी आंखों में और उनके कानों में हमारी आवाज नहीं जाएगी, हमारे मसाइल उनको नजर नहीं आएंगे। दोस्तों पर परख के, एक मरतबा परख के किसी को रिजेक्ट कर देना मोमिन होने की अलामत है। मोमिन कभी एक दिल से दो मरतबा नहीं दसा जाता। इसलिए मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, इस शहर के जिम्मेदार हैं हम लोग, इस शहर के अमानतदार हैं, वोट हमारे पास अमानत है, इसे लायक और काबिल आदमी को दीजिए, किसी नाअहिल को अपने सर पर मत बिठाइए। 5 साल रोना पड़ेगा, 5 साल हम पछताएंगे, 5 साल हमारे शहर के साथ घिनौना खेल खेला जाता रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, याद रखना। इसलिए आसिफ शेख रशीद साहब को वोट देना जरूरी है, इसलिए आसिफ साहब को चुन के लाना जरूरी है, ताकि असेंबली में हमारे मफादात की हिफाजत होती रहे, ताकि आसिफ साहब ने जो और ज्यादा प्रोग्राम बनाए काम करने के, इस शहर का काम इसी तरीके से होता रहे। मैं इतना कह के अपने दोनों खत्म करता हूँ, खुदा हाफिज़।